नमस्ते। तो कल्याणवादी अर्थशास्त्र हम माइक्रो इकोनॉमिक्स वेस्ट अर्थशास्त्र में पढ़ रहे थे, आठवां चैप्टर, और ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम तीसरा सिद्धांत देखते हैं जो सामाजिक कल्याण फलन के नाम से जाना जाता है, द सोशल वेलफेयर फंक्शन। तो इसमें एक फंक्शन दिया गया है, फलन दिया गया है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं, कुछ व्याख्या करके देखते हैं, इसके कुछ पॉइंट समझ के देखते हैं आखिर सामाजिक कल्याण फलन बोलता क्या है, बताता क्या है। देखिए, नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र की आलोचनाओं के परिणाम स्वरूप सामाजिक कल्याण फलन के सिद्धांत का जन्म हुआ। तो आप जानते हैं नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र की बहुत सारी आलोचनाएं हैं, जिसमें हमने हिक्स के बारे में देखा था, है ना, कॉलडोर के बारे में देखा था, उसकी आलोचनाओं के परिणाम स्वरूप इसका जन्म हुआ। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक जो है वो बर्गसन है और सैमुअलसन है। आप जानते हैं सैमुअलसन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। यह विचारधारा परंपरावादी अर्थशास्त्रियों तथा नव कल्याणवादी अर्थशास्त्र की तरह से एक पक्षीय नहीं है। तो दोनों एक पक्षीय की बात करते हैं, लेकिन ये जो सामाजिक कल्याण फलन है ये एक पक्ष की बात नहीं करता है, दोनों पक्षों की बात करता है, साथ ही साथ उन तत्वों को भी सम्मिलित करता है जिनसे प्रभावित होता है व्यक्ति का कल्याण। हम जानते हैं कि प्राचीन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आय के वितरण पर तथा नव परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन के साधनों की कुशलता पर जोर दिया था। तो जो प्राचीन वाले थे वो राष्ट्रीय आय पर ध्यान दे रहे थे। आप याद करिए पीगू और मार्शल को, वो कहते थे राष्ट्रीय आय ज़्यादा होगी तो कल्याण ज़्यादा होगा। ये कहते थे उत्पादन के साधनों में जितनी कुशलता होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, कल्याण होगा, ठीक है। लेकिन सामाजिक कल्याण फलन के विचारक आर्थिक कल्याण के इन दोनों बातों के अलावा अन्य बातों पर भी अन्य बातों को भी सम्मिलित करते हैं, ये बात कही गई है। अब देखते हैं बर्गसन ने क्या कहा है। बर्गसन के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि कल्याण तभी अधिक हो जबकि प्रत्येक व्यक्ति पहले से अधिक संतुष्ट हो जाए। तो पता नहीं क्यों बात कही, लेकिन जो भी कहा आप देखते हैं शायद कुछ तर्क तो होगा, है ना। इन्होंने कहा कोई ये ज़रूरी नहीं कि आप पहले से ज़्यादा संतुष्ट हो गए हैं तो आपका कल्याण अधिक हो गया है, ठीक है। यानी कल्याण फलन का अध्ययन करते समय अन्य बातें जैसे आय वितरण का ढंग, व्यक्तियों के बीच कल्याण की पारस्परिक निर्भरता क्या है, उपभोक्ता की सार्वभौमिकता आदि बातों का भी ध्यान रखना होगा, ये बर्गसन कहते हैं इस बारे में। बर्गसन इस बात को मानते हैं कि कल्याण एक नहीं अनेक बातों पर निर्भर करता है, इसलिए उन्होंने एक सूत्र दिया। तो कहा कि भैया जो एक कल्याण है ना, एक बात पर या दो बात पर नहीं, कई बातों पर निर्भर करता है। एक मतलब सैकड़ों चीज़ें हो सकती हैं, या मेन तो देखिए दो चार चीज़ें होती हैं, लेकिन वो पचासों चीज़ें हो सकती हैं, ये कहने का मतलब है। तो बर्गसन के अनुसार देखिए W इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ए बी सी, यानी और भी डॉट डॉट है, यानी और भी चीज़ें हो सकती हैं जिनमें W का मतलब क्या है, वेलफेयर यानी कल्याण से है, कल्याण बराबर फंक्शन किसका फलन है, कल्याण जो है वो किसका फंक्शन है, ए बी सी। अब ए बी सी ऐसे तत्व हैं जिन पर कल्याण निर्भर करता है। तो ए बी सी हैं क्या, अब हम देखते हैं। ए बी सी वे तत्व हैं जिन पर कल्याण निर्भर करता है, जैसे ए किसी व्यक्ति विशेष के कल्याण को ये दर्शा सकता है, बी आय वितरण के ढंग को दर्शा सकता है, सी किसी देश की जनसंख्या को व्यक्त कर सकता है। भाई जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी आपकी आय उतनी कम हो जाएगी ना, यही कह रहा है। और कुशलता भाई शिक्षा भी हो सकती है, है ना, कुशलता भी हो सकता है, स्किल भी हो सकती है, ये सारे तत्व इसमें आ जाते हैं जिन पर कल्याण निर्भर करता है। क्योंकि स्किलफुल आप ज़्यादा होंगे तो आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो आप कल्याण ज़्यादा इंक्रीज कर पाएंगे अपने लाइफ में। इन अर्थशास्त्रियों ने नैतिक निर्णय का होना जरूरी समझा है, साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी सुझाव दिया कि अर्थशास्त्रियों को स्वयं नैतिक निर्णय नहीं देना चाहिए, और यही सबसे बड़ी कमी अभी हम देखेंगे, तो सबसे बड़ी कमी यहीं पर आई है। इनके कहने का मतलब है अर्थशास्त्रियों को स्वयं निर्णय नहीं देना चाहिए, नैतिक वाले, कि ये करो ये ना करो, बल्कि ये निर्णय लेने के लिए ना ये काम सरकार पर डाल दो, राजनीतिज्ञों पर डाल दो और समाज सुधारकों पर डाल दो, ठीक है, इनके कहने का मतलब है। अब हम देखते हैं समाज कल्याण फलन की आलोचनाएं क्या की गई हैं। सबसे पहली आलोचना तो वही आ गई जो मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्रियों को वास्तविक विज्ञान मानना गलत। अब ये कह रहे हैं कि अर्थशास्त्री को नैतिक निर्णय से दूर रहना चाहिए, ये काम सरकार को दे देना चाहिए। भाई साहब उसने इतनी मेहनत की, इतने सारे नियम निकाले, ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा उस विषय में यही जानता है, तो ये जितना अच्छा नैतिक निर्णय दे सकता है सरकार या फिर सामाजिक सुधारक, या राजनीतिक तो बिल्कुल नहीं दे सकता। राजनीतिक को क्या नॉलेज होगा, आप चाहिए आप समझिए ना इस बात को। हर राजनीतिक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 90% लगभग 80% 90% ऐसा ही व्यक्ति होता है कि निर्णय नहीं ले पाता है आर्थिक, क्योंकि वो थोड़ी जटिल प्रक्रिया होती है अर्थशास्त्र, ऐसे समझना आसान बात नहीं है। दूसरा है समान भार का दिया जाना। तो इसमें क्या किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति को समान भार यानी कि समान महत्व दिया गया है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए जो वेलफेयर है, कल्याण है, वो अलग अलग हो सकता है।
किसी के लिए इतना कल्याण बहुत है लेकिन किसी के लिए इतना ज़्यादा कल्याण बहुत कम है, तो ऐसा हो सकता है। तो भार समान दिया जाना ठीक नहीं है, ये चीज़ कह रहा है, जिससे ये वैज्ञानिक अध्ययन से काफ़ी दूर हो जाता है, ऐसा आलोचकों का कहना है। सैद्धांतिक महत्व, तो ये कह रहे हैं कि जो अभी हमने देखा, बर्गसन ने तो एक सूत्र दे दिया है, मैथमेटिकल एक फॉर्मूला दे दिया है, इसमें ये कहाँ बताया है कि कल्याण कैसे होगा, तो ये बिल्कुल सही बात बोली है। यहाँ पर तो इन्होंने बताया कि इस वजह से नहीं, इस पर निर्भर करता है, लेकिन वो जो निर्भर करता है वो क्या किया जाए जिससे कल्याण बढ़े, ना ये बात नहीं बताई गई है। तो ये कह रहे हैं कि सामाजिक कल्याण फलन व्यावहारिक ना होकर केवल सैद्धांतिक है, तो ये थोड़ा सा सही भी बोल रहे हैं। अंत में बहुमत के आधार पर निर्णय, बहुमत के आधार पर सामाजिक फलन की गणना की जाती है, परंतु कल्याण फलन का संबंध समाज में रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए है, ना कि बहुसंख्यक लोग के लिए। जहाँ तक बहुमत के आधार पर लिए गए निर्णयों का प्रश्न है, वे निर्णय अर्थहीन होकर रह जाते हैं। तो बहुमत के आधार पर कह रहे निर्णय न लो, वरना ये अर्थहीन हो जाएंगे। तो ये था कल्याणवादी अर्थशास्त्र के बारे में, ये चैप्टर खत्म हो गया। अगली वीडियो से हम उपभोग एवं उपभोक्ता की सार्वभौमिकता यानी कंजम्पशन एंड कंज्यूमर्स सॉवरेनिटी, इसके बारे में बात करेंगे, परिभाषा देखेंगे, महत्व देखेंगे और साथ ही साथ आलोचनाएं, सारी चीज़ें इसमें देखेंगे, कितने प्रकार के कंजम्पशन होते हैं, सारी चीज़ें अगली वीडियो में देखेंगे। नवा चैप्टर शुरू करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स वेस्टर्न अर्थशास्त्र में।